Hello everyone, my name is Shubham Singhania and I welcome you all to our session today. So today we are going to start the part 2 of revision class for the subject of business environment. तो मैं hope करता हूँ कि आपने हमारा part 1 of business environment का जो revision section है वो already देख लिया होगा. अगर आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए I link पे click करके हमारे पार्ट 1 ऑफ रिवीजन को देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए. और आज मैं पार्ट 2 शुरू करने वाला हूं फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट रिवीजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूजीसी नेट दिसंबर 2019 अटेंड के लिए. सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बाकी सारे टॉपिक्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए उनको रिवाइज करने वाले हैं. सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे. सो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन. और आज के सेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम कवर करने वाले हैं वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द टॉपिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिससे रेगुलरली क्वेश्चन आते हैं. सो हर साल में देखा गया है कि एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से आ जाते हैं. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे. सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक इतना इंपॉर्टेंट एक्ट इसलिए है क्योंकि ये इसलिए लाया गया था ताकि जो कंज्यूमर्स है जिनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था विद रिस्पेक्ट टू देयर राइट्स, विद रिस्पेक्ट टू देयर द काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो उन्हें प्रोवाइड की जाती थी, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने कुछ काउंसिल्स एस्टैब्लिश करी जिसके अंदर अगर आपको कुछ डिफेक्टिव गुड्स मिले हैं या आप सर्विस से सेटिस्फाई नहीं है तो आप कंज्यूमर कोर्ट्स के पास जाके, कंज्यूमर काउंसिल्स के पास जाके अपील कर सकते हैं और वो आपको एडिक्वेट रेमेडीज प्रोवाइड करेंगे. सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें समझने बहुत ज्यादा जरूरी हैं. सबसे पहले जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर्स, मतलब कंज्यूमर कौन होता है. A consumer is generally understood to be a person who consumes goods or avails any kind of service. तो इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. अब इस कंज्यूमर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि दो कंज्यूमर वो होता है जो कंज्यूम करता है गुड्स या फिर सर्विसेज को, बट दिस डज नॉट इंक्लूड दोज पीपल जो किसी भी रीसेल या कमर्शियल पर्पस के लिए गुड्स को कंज्यूम करते हैं. इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है फॉर रीसेल, आप उसको फ्यूचर में किसी दूसरे इंसान को सेल करके उस पर प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, या फिर आपने बल्क परचेज किए हैं किसी पर्टिकुलर गुड के से एक्स प्रोडक्ट के 10-12 क्वांटिटी आपने खरीदी है एंड आप उसको कमर्शियल पर्पस में यूज करना चाहते हैं तो भी आप कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे. सो इसका मतलब यह है कि कंज्यूमर सिर्फ वही बंदे होंगे जो अपने फाइनल कंजम्पशन के लिए गुड्स को खरीद रहे हैं और फाइनल कंजम्पशन करते टाइम उनको रियलाइज होता है कि उनको कुछ भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिला है या फिर वो सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है. तो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को ध्यान रखना बहुत जरूरी है. कुछ इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर्स देख लेते हैं. द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कवर्स ऑल पब्लिक, प्राइवेट एंड कॉर्पोरेटिव सेक्टर. दिस अप्लाइज टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज until unless the government has exempted it. Third, provisions of Consumer Protection Act are compensatory in nature. इसका मतलब क्या है कि जो भी आपने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे हैं अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आपको कंपेंसेशन एडुकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा. इसमें कोई भी इम्प्रिजनमेंट या फिर इस तरीके की चीजें नहीं है, सिर्फ आपको कंपेंसेशन के फॉर्म में रेमेडीज प्रोवाइड कराई जाएंगी. आगे चलते हैं. What are the practices that are required to be followed? First, if any defect found, the seller should remove the above mentioned defect. इसका मतलब यहाँ पे हम कुछ रेमेडीज के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या रेमेडीज आपको मिलती हैं अगर आपके प्रोडक्ट में डिफेक्ट निकलता है. सबसे पहले उस डिफेक्ट को रिमूव किया सकता है, उस पूरे के पूरे प्रोडक्ट को रिप्लेस किया सकता है. आपको कोई नया प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाएगा, उसी की दूसरा मॉडल प्रोवाइड किया जाएगा. सो ये सारी चीजें किसी टाइप की रेमेडीज हो गई. इसी में आपको कुछ कंपेंसेशन भी दिया जा सकता है, कुछ आपको नॉमिनल डैमेजेस प्रोवाइड हो सकते हैं अगर आपको कुछ नुकसान हुआ है उस प्रोडक्ट के खरीदने की वजह से. तो इस टाइप की रेमेडीज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर प्रॉपरली गिवन है. अब बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के बारे में. सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इसलिए एस्टैब्लिश करी गई थी ताकि अगर आपको कोई भी क्वेरी या कंसर्न है या कुछ भी आपके इश्यूज आए हैं एज अ कंज्यूमर प्रोडक्ट को खरीदने के बाद, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स को अप्रोच कर सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपकी प्रॉब्लम या फिर डिफेक्ट को रिमूव करवाएं. सो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि 3 टायर मशीनरी बनाई गई थी. 1 वाज सेंट्रल काउंसिल, 1 वाज स्टेट काउंसिल एंड 1 वाज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल. तो यहाँ पे अलग अलग लेवल्स की काउंसिल बनाई गई है. एक बार इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. Consumer Protection Council empowers the central government to establish a central Consumer Protection Council consisting of minister in charge of consumer affairs. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे एक काउंसिल बनाई जाएगी, उसे सेंट्रल काउंसिल कहेंगे. जब दूसरी काउंसिल के बारे में बात करें जो कि स्टेट काउंसिल है, तो इट विल बी एस्टैब्लिश अंडर द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. इसका मतलब उसका जो मिनिस्टर इंचार्ज होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएगा एंड थर्ड इज द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इसका मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में भी एक काउंसिल बनाई जाएगी। आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपके कुछ इश्यूज हैं, तो आप उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को अप्रोच कर सकते हैं और एडिक्वेट रेमेडी ली जा सकती है। तो ये तीन काउंसिल्स हो गए, इनके बारे में हमें ब्रीफली में पता चल गया। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक के अंदर। आगे चलते हैं। थ्री टायर रिड्रेसल मैकेनिज्म भी बनाया गया है, जैसे कि कंज्यूमर काउंसिल्स बनाई गई थी, वैसे ही थ्री टायर रिड्रेसल मैकेनिज्म है, जिसके अंदर नेशनल कमीशन है, स्टेट कमीशन है एंड फाइनली डिस्ट्रिक्ट फोरम है। सो तीन टाइप के फोरम्स बनाए गए हैं जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है आपको पास्ट ईयर में जिस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, वहां पे आपसे पूछा जाता है कि इनकी लिमिट्स क्या है। इसका मतलब क्या है कि अगर जो आपने प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा है उसकी वैल्यू क्या है, एंड उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता है कि आप किस पर्टिकुलर फोरम को या फिर किस रिड्रेसल मैकेनिज्म को यूज करेंगे या फिर किस मशीनरी को अप्रोच करेंगे। तो यहां पे एक बार देख लेते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ रिसेंट चेंजेस आ गए हैं और हमें नहीं पता है कि आपसे क्वेश्चन न्यू बेसिस पे पूछा जाएगा या पुराना। सो एज अ सेफ साइड बेस्ट तरीका यही है कि आप नए वाले नॉर्म्स को भी पढ़ लें और पुराने नॉर्म्स भी आप याद रखें। तो अगर मैं डिस्ट्रिक्ट फोरम के बारे में बात करूं तो अगर आपकी कंप्लेन के जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो 20 लाख तक है, दैट इज अप टू 20 लाख है, तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम को अप्रोच कर सकते हैं इन ऑर्डर टू क्लेम डैमेजेस अप टू 20 लाख रुपीस। अगर जो आपकी वैल्यू है वो 20 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में है, That is it ranges from 20 lakhs to 1 करोड़, तो आप स्टेट कमीशन को अप्रोच करेंगे। और अगर आपकी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर अबव 1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर रुपए के डैमेजेस आप क्लेम कर रहे हैं या फिर आपके वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, तो आप नेशनल कमीशन को अप्रोच कर सकते हैं इन ऑर्डर टू हैव रिड्रेसल। अब इसमें चेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पहले जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, अब वो रिवैम्प होके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आ गया है, दैट इज करंट ईयर में ये नया एक्ट आया है और इसमें कुछ प्रोविजंस हैं जो हमको पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो सबसे पहले रेगुलेटर की बात करें तो पहले आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को ही अप्रोच करते थे, कोई सेपरेट रेगुलेटर नहीं था। अब सीसीपीए दैट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बना दी गई है जो आपकी रिड्रेसल मैकेनिज्म को देखेगी। नेक्स्ट, कंज्यूमर कोर्ट, किस कंज्यूमर कोर्ट में फाइल करना है या फिर क्या उसका बेसिस होने वाला है, इसके बारे में अगर बात करें तो कंप्लेनेंट कुड बी फाइल्ड इन अ कंज्यूमर कोर्ट वेल एज वेयर द सेलर्स डिफेंडेंट ऑफिस इज लोकेटेड। इसका मतलब जो भी आपका सेलर है जिसने आपको गुड या सर्विस प्रोवाइड करी है, उसके जुरिसडिक्शन के बेसिस पे देखा जाता था कि उसका ऑफिस कहाँ है और जिस जुरिसडिक्शन कोर्ट के अंदर उसका ऑफिस आता था उस पर्टिकुलर कोर्ट को आपको अप्रोच करना पड़ता था। बट अब क्या हो गया है, अब देख लेते हैं। कंप्लेन कैन बी फाइल्ड इन अ कंज्यूमर कोर्ट वेयर द कंप्लेनेंट रिसाइड्स और वर्क्स। इसका मतलब जो कंप्लेनेंट है जिसने डिफेक्टिव सर्विसेज जिसको प्रोवाइड हुई हैं, वो पर्सन जहां रहता है वो उसके अकॉर्डिंग जुरिसडिक्शन के बेसिस पे कंज्यूमर कोर्ट्स को टारगेट कर सकता है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट लाइबिलिटी, मतलब प्रोडक्ट की क्या लाइबिलिटी होती है। अगर प्रोडक्ट से आपको कुछ नुकसान हो जाता है या आपकी कुछ मेंटल या फिर हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं तो आपको पुराने केसेस में सिविल कोर्ट को अप्रोच करना पड़ता था, बट इस केस में अब आप कंज्यूमर कोर्ट के अंदर ही, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही अपील कर सकते हैं और एडिक्वेट कंपेंसेशन ले सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, दोबारा एक बार देख लेते हैं कि अप टू 20 लाख है पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग, तो आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास जाना है। अगर 20 लाख से 1 करोड़ है तो आपको स्टेट फोरम के पास जाना है। अगर अबव 1 करोड़ है तो आपको नेशनल फोरम के पास जाना है। ये तो बात हो गई पुराने एक्ट की। अब अगर नए एक्ट के बारे में बात करें तो अप टू 1 करोड़ रुपीस आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास जाना होगा। अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में आपके वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं तो आप स्टेट के पास जाएंगे। एंड अगर आपके वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर अबव 10 करोड़ तो आप नेशनल कमीशन को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और मैं बता दूं कि इससे हमेशा क्वेश्चन आता है, तो इस चीज को बिल्कुल थॉरो कर लीजिए। नेक्स्ट, बात करते हैं ई कॉमर्स। अब यहाँ पे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था वो ई कॉमर्स वेबसाइट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के बारे में कुछ भी बात नहीं करता था, दैट इज पुराने एक्ट में कोई प्रोविजंस नहीं थे। बट अब ऑल रूल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एक्सटेंडेड टू ई कॉमर्स। इसका मतलब जो भी नॉर्मल ट्रांजैक्शंस आप फिजिकल ट्रांजैक्शंस में एंटर करते थे, सारे के सारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के प्रोविजंस ई सेलिंग पे भी लगेंगे या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट पे भी लगाए जाएंगे। तो ये एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छा प्रोविजन लाया गया है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट्स के फॉर्म में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट, बात करते हैं मीडिएशन सेल कि क्या आपको मीडिएशन प्रोसेस अलाउ किया जाता था। मीडिएशन वो होता है कि किसी थर्ड पार्टी का एक इंटरवेंशन, जहां पे आपको जो भी डिस्प्यूट हैं उसको रिजॉल्व कराने के लिए कोई थर्ड पार्टी एंटर करती है और दोनों से बातचीत करके आपके डिस्प्यूट को सेटल कराती है। तो इससे रिलेटेड कोई भी लीगल प्रोविजन नहीं था अब तक, बट अब अगर कंज्यूमर कोर्ट चाहे तो मीडिएशन प्रोसेस को रिफर कर सकती है, जहां पे आपको एक थर्ड पार्टी प्रोवाइड कर दी जाएगी जो आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की या फिर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट करने की कोशिश करेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हो गए जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर यूजीसी नेट एग्जाम। आगे बात कर लेते हैं कुछ राइट्स के बारे में। अब क्योंकि एक्ट में रिवैम्पिंग हुई है इसलिए कुछ नए एक्ट्स राइट्स भी डाले गए हैं जो कि कंज्यूमर के हैं। तो ये तो 6 पुराने एक्ट्स राइट्स हैं, तो एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं जल्दी से। राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज आउट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल, राइट टू बी हर्ड मतलब आपको सुना जाए अगर आप अपील करते हैं तो, राइट टू सीक रिड्रेसल मतलब आप चाहें तो अपील करके रेमेडीज ऑफ ले सकते हैं, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन मतलब आपको आपके राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये सारे तो पुराने एक्ट के अंदर ऑलरेडी थे। नए राइट्स को एक बार देख लेते हैं। राइट टू फाइल अ कंप्लेन फ्रॉम एनीवेयर। अब पहले जैसे अभी हमने पढ़ा कि पहले आपको सेलर या फिर डिफेंडेंट की जुरिस्डिक्शन को देखना पड़ता था, बट अब आप जहां से चाहें वहां से केस फाइल कर सकते हैं। जहां भी आप रहते हैं, जहां आप वर्क करते हैं, वहां से आप केस फाइल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा राइट आपको प्रोवाइड हुआ है। नेक्स्ट, राइट टू सीक कंपेंसेशन अंडर प्रोडक्ट लायबिलिटी। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि पुराने एक्ट के अंदर कोई भी ऐसा राइट नहीं था, आपको सिविल कोर्ट के पास जाना पड़ता था, बट अब आप कंज्यूमर कोर्ट के थ्रू ही अपील करके कंपेंसेशन ले पाएंगे। राइट टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर एज अ क्लास, जिसे हम क्लास एक्शन सूट भी कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ही सेलर के थ्रू काफी ज्यादा कंज्यूमर्स इफेक्ट हुए हैं या फिर उनको डिफेक्टिव गुड्स प्रोवाइड कराए गए हैं, तो rather than फाइलिंग सेपरेट कंप्लेंट्स आप एक साथ मिलके ग्रुप फॉर्म करके आप सेम अगर सेम इशू आप है आप सबका सारे कंज्यूमर्स का सेम इशू है तो आप एक साथ मिलके भी केस फाइल कर सकते हैं। इसे हम क्लास एक्शन सूट भी कहते हैं कंपनीज एक्ट की लैंग्वेज में। नेक्स्ट, राइट टू सीक हियरिंग यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब कई बार होता है कि आपका जाना नहीं पॉसिबल होता ड्यू टू टाइम, और आप हर बार दिमाग में यही सोचते हैं कि इतना ज्यादा लीगल प्रोसेस कॉम्प्लेक्स एक्ट में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी पार्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट, राइट टू नो वाया कंप्लेन वाज रिजेक्टेड। कई बार क्या होता था कि आप कंप्लेन करते थे और आपके पास रिजेक्शन आ जाता था विदाउट स्पेसिफाइंग एनी रीजन। अब आप ये भी पता कर सकते हैं कि अगर आपकी कंप्लेन रिजेक्ट की गई है तो क्यों रिजेक्ट करी गई है, और अगर आपको वो जस्टिफाई ना लगे तो आप उस पर दोबारा रजिस्टर करके दोबारा कंप्लेन करके दोबारा रीजन पूछ सकते हैं कि क्यों रिजेक्ट करी गई है और क्या उसका रैशनल है। ये सारी चीजों की फैसिलिटीज पहले प्रोवाइड नहीं थी। नेक्स्ट एक्ट के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही छोटा एक्ट है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सो इससे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फेमा एक्ट से पहले एक दूसरा एक्ट था, दैट इज फेरा, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो यहां पे मैं एक ही वर्ड पे इंफेसिस करूंगा, दैट इज रेगुलेशन। तो पहले ये जो फेरा एक्ट था दैट वाज इन द ईयर 1973, ये रिवैम्प हो गया आफ्टर द कमिंग अप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और दोनों के बीच में इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन क्या है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बट ब्रीफली बताऊंगा कि मेजरली डिस्टिंक्शन क्या है इनके बीच। कि जो फेरा एक्ट था वो बहुत ज्यादा उसका फोकस रेगुलेशन पे था, बहुत ज्यादा वो स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया करता था हर चीजों के ऊपर, बट जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है वो एम करता था कि आप रेगुलेशन से फैसिलिटेशन की तरफ बढ़ें, आप फैसिलिटेट करें कि बहुत आसानी से ट्रेड हो सके, बहुत आसानी से फॉरेन करेंसी में एक्सचेंजेस हो सकें। तो ये मेजर एम था, ऑब्जेक्टिव था फ्रॉम मूविंग फ्रॉम फेरा एक्ट टू द फेमा एक्ट। आगे चलते हैं, कुछ इसकी इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं। फ्री ट्रांजैक्शंस ऑन करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है अपने इंटरनेशनल बिजनेस के टॉपिक में। सो फ्री ट्रांजैक्शन, आप फ्रीली ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं अपने करंट अकाउंट में सब्जेक्ट टू सम स्मॉल रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। आरबीआई कंट्रोल ओवर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के ऊपर अभी भी कुछ आरबीआई ने कंट्रोल्स लगा रखे हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल ओवर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स प्रोसीड्स, क्या प्रॉपर टैक्स नॉर्म फॉलो करके आ रहे हैं प्रोसीड्स के ऊपर, ये सारी चीजें भी अभी देखनी जरूरी है फेमा एक्ट के अंदर। नेक्स्ट, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज थ्रू ऑथोराइज पर्सन, अगर आपको फॉरेन करेंसी में डील करना है तो आप जो ऑथोराइज गवर्नमेंट के एजेंट्स हैं या फिर प्रॉपर जो इंस्टीट्यूशंस को अथॉरिटी दी गई है उनसे आप डील करके अपनी फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट एडजुडिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो किस टाइप के वायलेशन हुए हैं तो वो कहां देखे जाएंगे, ये सारे फेमा एक्ट के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। एक डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट भी बनाया गया है कि अगर कोई बहुत ज्यादा करप्शन में या फिर मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है तो वो सारे एस्पेक्ट्स भी देखने के लिए ये डायरेक्टरेट लुक फॉरवर्ड करेगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि द फेमा हेड ऑफिस ऑल्सो नोन एज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इज सिचुएटेड वेयर, तो आंसर है न्यू दिल्ली। तो इस चीज को भी ध्यान रखिए, कई बार आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम कवर करने वाले हैं वो है सोशियो कल्चर फैक्टर्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस। हमने इकोनॉमिक के बारे में बहुत डिटेल में बात कर ली थी, अलग अलग पॉलिसीज और सिस्टम्स के बारे में अपनी पुरानी वीडियो में, और यहाँ पे अब मैं कवर करने वाला हूँ सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। अब सोशियो कल्चरल फैक्टर्स होते क्या हैं स्टूडेंट्स? बहुत सारे ऐसे सोसाइटी के एस्पेक्ट्स होते हैं जो आपकी बिजनेस को किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक साड़ीज का एग्जाम्पल लूँ कि इंडिया में साड़ीज की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है वेन एवर यू आर एंटरिंग इन टू सम फेस्टिव सीजन, दैट इज दिवाली हो, होली हो, साड़ीज की सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड सेम इज द केस विद स्वीट्स, मिठाइयों की सेल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बट ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है, और ये रिलेटिव कंसेप्ट इसलिए है बिकॉज जो टोटल आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी ना किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन में डिवाइडेड होगा। सो फॉर इंस्टेंस, अगर मैं बात करूं कि हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और कुछ स्टेट ओरिएंटेड फेस्टिवल्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पोंगल की बात करूं जो कि साउथ में मनाया जाता है, या फिर ओणम की बात करूं जो भी साउथ में मनाया जाता है। सो इस केस में अगर आप उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन में केटर करते हैं तो आपको उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, किस टाइप के एज ग्रुप वहाँ पे अवेलेबल है, किस टाइप के फेस्टिवल्स वहाँ मनाए जाते हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट्स की उस टाइम पे डिमांड होती है, वहाँ पे जो जेंडर है वो किस टाइप के कपड़े पहनता है, या फिर किस टाइप के कल्चरल नॉर्म्स फॉलो होते हैं। ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर पाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपने स्टॉक्स को भी रखेंगे ताकि आप प्रॉपरली चीज़ों को टाइमली प्रोवाइड कर सकें और प्रॉपरली बफर रख सकें। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हमारे बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं, इसलिए इन सारे एलिमेंट्स को देखना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे सीएसआर के बारे में। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था अपनी पुरानी वीडियो ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन आया है, उस प्रोविजन को ब्रीफली देखेंगे। सो अंडर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट इट हैज बीन डिसाइडेड दैट एवरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बहुत ध्यान रखना इस फैक्चुअल चीज पे, हैविंग अ नेट वर्थ ऑफ ₹500 करोड़ और अ टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़। इसका मतलब या तो आपका नेटवर्थ जो हो वो 500 करोड़ से ज्यादा हो, या फिर टर्नओवर आपका 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो, और नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 करोड़ और मोर। तीन पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते हैं। नेटवर्थ मोर देन 500 करोड़, टर्नओवर मोर देन 1000 करोड़, और नेट प्रॉफिट जो है वो मोर देन 5 करोड़। तो ये तीनों चीजें याद कर लीजिए। ऐसे अगर इन तीनों में से कोई एक चीज भी आपकी ज्यादा हो जाती है तो आपको एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, मतलब जिस ईयर में ये तीनों में से एक भी वॉयलेट होता है या ज्यादा हो जाता है, उसके पास के 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा, दैट इज 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, और वो आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना पड़ेगा या फिर फंड्स को यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट एक्ट आया है, हो सकता है इससे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो ये 3 चीज बिल्कुल आपको अच्छे से याद कर लेनी है। आगे चलते हैं, बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये भी एक बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रेगुलर क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार आपसे क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि XYZ इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर कितनी क्लासिफिकेशन थी इंडस्ट्री में। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन का मेन फोकस क्या था। तो इन सारे टॉपिक्स को हम बहुत ब्रीफली कवर करेंगे, तो इस पे बहुत ध्यान रखिएगा इस टॉपिक पे। सो देख लेते हैं पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें कवर करनी है। सबसे पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1948 में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1948 टॉपिक। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन सेकंड 1956 में आया था। उसके बाद 2 छोटी छोटी पॉलिसी स्टेटमेंट्स आई थी 1973 एंड 1977 में। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 में आया था, एंड फाइनली 1991 में, जो कि बहुत ही फेमस है, जिसे हम LPG मॉडल के नाम से भी जानते हैं, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इन 3 टॉपिक्स को भी कवर किया गया था। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करने वाले हैं। आगे चलते हैं, सबसे पहले बात करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948। सो ये 6 अप्रैल 1948 को लाई गई थी। डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक रेफरेंस के लिए आपको आइडिया होना चाहिए। और यहां पे हम सीधे बात करेंगे कि क्या कैटेगरीज थी, क्या क्लासिफिकेशन था। तो यहां पे 4 कैटेगरीज में इंडस्ट्री को बांटा गया था। बहुत ध्यान से देखेंगे, 1948 में 4 इंडस्ट्रीज में क्लासिफाई किया गया था। फर्स्ट, इंडस्ट्रीज विद एक्सक्लूसिव स्टेट मोनोपोली और स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज, मतलब जो बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज थी वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में बांटी गई थी या फिर फर्स्ट क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज विद गवर्नमेंट कंट्रोल, दैट इज दिस कैटेगरी इंक्लूडेड इंडस्ट्रीज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। 18 टाइप की कुछ इंडस्ट्रीज थी जैसे फर्टिलाइजर्स, हैवी मशीनरी, डिफेंस, हैवी केमिकल्स। अगेन ये सारी की सारी गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। नेक्स्ट बात करेंगे इंडस्ट्रीज विद मिक्स सेक्टर, इसका मतलब यहां पे बोथ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर को अलाउ किया गया था इंडस्ट्रीज में आने के लिए। तो मेजरली ये कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री ही होंगी, तो आपको ये चारों क्लासिफिकेशन पता होने चाहिए। फोर्थ, इंडस्ट्रीज इन प्राइवेट सेक्टर, मतलब कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जो ऊपर की 3 कैटेगरी में फॉल नहीं करती थी, उसमें प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया गया था कि आप उसमें इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकते हैं। तो ये 4 क्लासिफिकेशन है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पॉलिसी स्टेटमेंट है एंड कितने टाइप की क्लासिफिकेशन थी। तो ये हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 कवर कर लिया है। आगे चलते हैं, इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। अगेन ये अप्रैल 20, 1956 में आया था और इसमें जो क्लासिफिकेशन थी वो 3 टाइप की थी, मतलब 3 इंडस्ट्रीज में क्लासिफिकेशन किया गया था। शेड्यूल ए इंडस्ट्रीज, शेड्यूल ए इंडस्ट्रीज वो थी जिसके अंदर सारी की सारी जो मोनोपोली थी वो गवर्नमेंट की थी। अप्रोक्सीमेटली 7 इंडस्ट्री थी, ठीक है। और प्राइवेट इंडस्ट्रीज को या फिर प्राइवेट सेक्टर को तब अलाउ किया गया था अगर बहुत ज्यादा नेशनल इंपॉर्टेंस से नीड लग रही थी, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को ही मेजर रोल प्ले करने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं शेड्यूल बी इंडस्ट्रीज में। इस केस में क्या हुआ था, बोथ स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर वर अलाउड टू हैव इंडस्ट्रीज, बट नई इंडस्ट्रीज नहीं अलाउ करी गई थी प्राइवेट सेक्टर में। इसका मतलब यह है कि अगर कुछ ऑलरेडी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो प्राइवेट सेक्टर चला रहा था तो उसको गवर्नमेंट ओवरसी करेगी, बट उनको नए बिजनेसेस सेटअप करने नहीं दिए जाएंगे या फिर एक्सपैंड करने नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब दोनों गवर्नमेंट एंड प्राइवेट होंगे, बट जो मेजर कंट्रोल होगा वो गवर्नमेंट के हाथ में ही होगा। ये आपकी शेड्यूल बी इंडस्ट्रीज हो गई। कुछ एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज थी, फर्टिलाइजर, रबर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। थर्ड है शेड्यूल सी इंडस्ट्रीज, सो द इंडस्ट्रीज दैट वर नॉट पार्ट ऑफ द अबव मेंशन इंडस्ट्रीज देन इट फॉर्म द पार्ट ऑफ शेड्यूल सी इंडस्ट्रीज। और इसके अंदर मेजरली जो कंट्रीब्यूशन था वो प्राइवेट सेक्टर का था, मतलब प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल फ्रीडम दे दी गई थी कि आप इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगेन हमें इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 एंड क्लासिफिकेशन इनटू 3 इंडस्ट्रीज, दैट इज ए, बी एंड सी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब जैसे कि मैंने कहा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट ऐसे हैं जिन पे फोकस पे क्वेश्चन आ सकता है कि उनका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था या उनका फोकस एरिया क्या था, तो हम उसी चीज पे ध्यान देंगे। सो इंडियन पॉलिसी स्टेटमेंट 1973 हैड फोकस्ड ऑन हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज विथ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज एंड फॉरेन कंपनीज। इसका मतलब क्या था कि जो रीजनल डिस्पैरिटी है, जो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि रूरल बैकवर्डनेस थी, उसको खत्म करने के लिए लार्ज और हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री सेटअप करी गई थी, जिसमें फॉरेन कंपनीज को अलाउ कर दिया गया था कि आप आइए और इन्वेस्टमेंट करिए, बट सिर्फ उन एरियाज में इन्वेस्टमेंट अलाउ करी गई थी जो बहुत ज्यादा प्रायोरिटी सेक्टर्स थे, बाकी सेक्टर्स में अलाउ नहीं किया गया था। और ये इसलिए किया गया था ताकि जो रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज हैं उनमें भी प्रॉपर डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन पॉलिसी स्टेटमेंट 1977। सो आप एक तरीके से कॉलम भी बना सकते हैं कि 1973 का मेजर फोकस किस चीज पे था और 1977 का मेजर फोकस किस पे था। तो अगर मैं 1977 की पॉलिसी स्टेटमेंट के बारे में बात करूं तो इसका जो मेजर थ्रस्ट या फिर मेजर फोकस था वो था प्रोमोशन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मैं आपको बता दूं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट आई गेस दिसंबर 2015 में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977 हैड द मेजर थ्रस्ट ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। सो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस इन सारे एस्पेक्ट्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980। ये कब आई थी स्टूडेंट्स, इट केम अंडर ऑन जुलाई 23rd 1980 में। और यहां पे जो मेजर फोकस था कुछ एक बार रीड आउट कर लेते हैं, प्रोमोशन ऑफ बैलेंस ग्रोथ, मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज का भी ग्रोथ होना चाहिए और जो बैकवर्ड रूरल स्टेट्स हैं उनका भी प्रॉपर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होना चाहिए। एक्सटेंशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ ऑटोमेटिक एक्सपेंशन, टेकिंग ओवर इंडस्ट्रियल सिक यूनिट्स, मतलब जो भी बहुत ज्यादा सिक हो रहे थे यूनिट्स या फिर रिकंस्ट्रक्शन की जिनको जरूरत थी उनको प्रॉपर रिकंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट, रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ अनऑथराइज एक्सेस प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज इंस्टॉल फॉर इंडस्ट्रियल हाउसेस, ये सारी चीजें भी 1980s के टाइम पे हो रही थी। रीडिफाइनिंग द रोल ऑफ स्मॉल स्केल यूनिट्स, इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, मतलब जो मैं देख पा रहा हूं तो बैलेंस रीजनल ग्रोथ और लुकिंग आफ्टर द सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स और सिक प्राइवेट पब्लिक सेक्टर, इस पे ज्यादा फोकस था इस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन का। तो इस चीज पे भी आप ध्यान रख सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर के सिक यूनिट्स पे ज्यादा फोकस था एंड बैलेंस रीजनल ग्रोथ, ये दो मेन एस्पेक्ट्स इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से मुझे समझ में आ रहे हैं, तो इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी स्टेटमेंट के बारे में, या दैट इज न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। तो जैसे कि आपको ऑलरेडी पता हुआ कि 1991 में जो हमारी कंट्री है वो फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस से गुजर रही थी, तो उस टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को में चेंजेस लाए गए थे या फिर आप कह सकते हैं काफी ज्यादा मेजर चेंजेस करे गए थे, तो उसको एक बार देखेंगे ध्यान से। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो सबसे पहले अभी से पहले हम सिर्फ हाई प्रायोरिटी एरियाज के अंदर ही इन्वेस्टमेंट अलाउ करते थे, बट अब जो फॉरेन कंट्रीज थी उनको मेजर स्टेक लेने को कह दिया गया था। फॉर इंस्टेंस इन 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज अप टू 51% एफडीआई वाज अलाउड, जो कि बहुत ज्यादा हाई है। इसका मतलब 51% स्टेक लेने के लिए कह दिया गया था फॉरेन कंपनीज को। फॉर एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेस एफडीआई दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अप टू 74% वाज अलाउड। तो आप देख सकते हैं कि लिबरलाइजेशन के अंदर जो अभी तक हम बहुत रिस्ट्रिक्ट करके रखते थे एफडीआईस को, उसको काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया था, दैट इज अप टू 74% तक हमने एक्सपोर्ट हाउसेस में अलाउ किया हुआ है एफडीआई। नेक्स्ट, डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर को कहा गया था कि ये सारी इंडस्ट्रीज आपके लिए रिजर्व्ड हैं। अब कुछ बहुत स्ट्रैटेजिक यूनिट्स छोड़ के, जैसे कि आर्म्स एंड अम्युनिशंस हो गए, एटॉमिक एनर्जी हो गई, मिनरल ऑयल हो गए, रेल ट्रांसपोर्ट एंड माइनिंग, इन 5 कोर एरियाज को छोड़कर बाकी सारे एरियाज में, सारी इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया गया था विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस एंड रेगुलेशंस। नेक्स्ट, Presently only 2 sectors, that is atomic energy and railway operations, are reserved for the public sector। और अब जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई सिर्फ इन दोनों सेक्टर्स पे रेगुलेशन रखी गई कि ये गवर्नमेंट के सेक्टर के अंदर होंगे, अदरवाइज बाकी सारी इंडस्ट्रीज पे प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया गया है। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, जैसे कि अभी हम सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो जो भी सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स थी उनको कह दिया गया था कि अब आपको डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, विच मींस दैट योर पर्टिकुलर स्टेक वुड बी सोल्ड टू द प्राइवेट सेक्टर। तो हम प्राइवेट पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर को स्टेक शेयर कर रहे सेल कर रहे थे। नेक्स्ट, डी लाइसेंसिंग, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर किसी भी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करना है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि आप लाइसेंस ले सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो कि बहुत ज्यादा टीडीएस और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता था। तो जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी वो भी काफी हद तक अबॉलिश कर दी गई थी और अब आप डायरेक्टली एक नॉर्मल फॉर्म भर के, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के अपनी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश कर सकते थे। तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो कवर किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के, इनको आप ठीक से थॉरो कर लेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब जो लास्ट टॉपिक मैंने कवर किया है वो है नीति आयोग, और दो ये डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है बट क्योंकि काफी क्वेश्चन करंट अफेयर्स से भी आ जाते हैं इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको थोड़ा एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। तो नीति आयोग इज बेसिकली अ पॉलिसी थिंक टैंक, इसका मतलब इसे बनाया गया ताकि जो भी पॉलिसी से रिलेटेड चेंजेस आ सकते हैं या पॉलिसी से रिलेटेड जो भी रिकमेंडेशंस आ सकते हैं इकोनॉमी के लिए, वो उस पे ये काम करने वाली है थिंक टैंक। और ये स्टैब्लिश की गई थी 1 जनवरी 2015 को बाय अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, दैट इज श्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको 2 याद कर लेने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, द 12th एंड द लास्ट 5-year प्लान ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड ऑन मार्च 31, 2017, और इसके खत्म होने के बाद अब जो भी काम देखा जाएगा या जो भी पॉलिसी रिकमेंडेशंस आएंगी वो सारी की सारी नीति आयोग के थ्रू ही आया करेंगी। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट इज अ 15-year विजन दैट इंप्लासेस ओवरऑल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंट्री फॉर द नेक्स्ट 15 years। मतलब सबसे पहले अब इनको ये टास्क दिया गया है कि आप 15 ईयर के टाइम होराइजन के बीच में प्लानिंग करें कि ओवरऑल क्या हमारे कंट्री के ऑब्जेक्टिव्स एंड विजन्स होने वाले हैं। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट टास्क दिया गया था। नेक्स्ट, सेकंड इज अ 7-year स्ट्रैटेजी व्हिच लेज आउट द roadmap of development for the next 7 years, dividing those goals into 2 parts. मतलब कि एक 15 साल का overall holistic framework बना दिया गया goals and objectives का, and उनको 2 parts में split कर दिया कि 7 साल के 2 time horizons में 7.57 years के time horizon में एक short term aspect से भी आप goals बना लीजिए, ताकि हमें ये पता चलते रहे कि हम जो भी हमने targets लिए हैं वो हमने 7 years में कितने achieve किए हैं, और अगर उससे related कुछ changes हैं तो वो changes भी लाए जा सके। तो ये दूसरा एस्पेक्ट था। थर्ड एंड फाइनल इज अ 3-year एक्शन एजेंडा व्हिच स्टेट्स दैट टास्क एंड टारगेट्स टू बी अकम्प्लिश्ड इन द नेक्स्ट 3 years टाइम फ्रेम। तीसरा क्या है कि 3 साल के लिए भी कुछ शॉर्ट टर्म टारगेट्स बनाए गए थे और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 3 साल के अंदर वो टारगेट्स भी कंप्लीट किए जाएंगे या फिर अचीव किए जाएंगे। सो इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है कि इट वॉज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इट वॉज एस्टैब्लिश ऑन 1 जनवरी 2015 एंड 3 parts में उसके एजेंडाज या विजन्स को डिवाइड किया गया है। दैट इज अ 15-year मिशन, 7 years मिशन एंड अ 3-year टारगेट। सो इन सारे एस्पेक्ट्स को आपको ध्यान रखना है। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप जो आज हमने रिविजन किया है फॉर द बिजनेस एनवायरमेंट टॉपिक ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा, और इसी Part 2 के साथ हमारे बिजनेस एनवायरमेंट का रिवीजन भी कंप्लीट हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा बिजनेस एनवायरमेंट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर आप पे कुछ क्वेरी एंड कंसर्न्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।